चुड़ैलों का नया साल। तुम जानती हो कि कल क्या है? जी नहीं, हम नहीं जानते। वैसे भी जानकर होगा ही क्या। कल तुम्हारे दिन बदलने का दिन है। दिन बदलने का? हाँ, कल नया साल शुरू हो रहा है और यमलोक का एक नियम है, हर नए साल धरती लोक से आई हुई चुड़ैलों या फिर भूतों को इस दिन अपनी मुक्ति का मौका मिलता है और वो इस कुरूप रूप को छोड़कर परी और देवता में बदल सकते हैं। क्या सच? हाँ, लेकिन इसके लिए एक बहुत कठिन कार्य किया जाता है। इस दिन तुम्हें धरती लोक पर जाने का मौका मिलता है और जो भी भूत या चुड़ैल धरती लोक पर जाकर अच्छे काम करता है उसे इस सबसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। क्या तुम तीनों ये कर पाओगी? बिल्कुल, हम ऐसा जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज रात ठीक 12 बजते ही धरती लोक से यमलोक का द्वार जोड़ दिया जाएगा। तुम उसी वक्त धरती लोक में प्रवेश कर लेना और अगर तुमने सभी लोगों को अपने अच्छे कामों से प्रसन्न कर दिया तो तुम भी परी बन जाओगी। चुड़ैलों को सारी बात समझाकर उनके लोक का राजा वहां से गायब हो गया। अब चुड़ैलों को बस रात के 12 बजने का इंतजार था क्योंकि वो जल्द से जल्द मुक्त होना चाहती थी। कुछ ही देर बाद उनका इंतजार भी खत्म हो गया और 12 बजते ही धरती लोक का दरवाजा यमलोक से जुड़ गया। आ जाओ बहनों, दरवाजा खुल चुका है। अब हमारा लक्ष्य इंसानों को खुश करना है। हम इस काम को अपनी पूरी जी जान लगा कर करेंगे। तीनों चुड़ैल ऐसे बोलकर अपने चेहरों को अपनी साड़ी के पल्लुओं से ढककर शहर में निकल आई। नए साल की खुशी में पूरे शहर के लोग पटाखे जला रहे थे। जगह जगह रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी और सभी तरफ चहल पहल थी। यहाँ पर देखने से लगता तो नहीं है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन फिर भी देखती हूँ। दीपा ऐसे ही पूरे शहर में जरूरतमंदों को ढूंढ रही थी। अभी वो चल ही रही थी कि तभी उसे फुटपाथ पर एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची के साथ दिखाई दी। माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना। मेरी बच्ची, तेरी माँ लाचार है, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुझे क्या खिलाऊं? यहाँ लोगों के खुशियों से भरे नए साल शुरू हो रहे हैं और एक तरफ हम हैं जो मर रहे हैं। दीपा ने उन दोनों की ही बातें सुन ली। फिक्र मत करो छोटी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। दीपा उनके लिए खाना ढूंढने लगी। वहीं पास में एक रेस्टोरेंट था। भाई साहब, बच्ची भूखी है, कुछ दे दो। लाओ पैसे दो और बोलो क्या चाहिए। पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास खाना भी नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए खाने के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे क्या करवा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये थोड़े से बर्तन है तुम इन्हें साफ कर दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। शुक्रिया। उस बच्ची का पेट भरवाने के लिए दीपा उस दुकान में बर्तन धोने लग गई और काम करके उसने उस बच्ची और उसकी माँ का पेट भरवाया। और वहीं दूसरी तरफ, मैंने यहाँ किसी के करहाने की आवाज सुनी थी, शायद वो इस घर से आई थी। हाँ, यही घर है। संध्या उस घर में चली गई। उसने अंदर देखा कि एक औरत दर्द से कराह रही है। वो औरत गर्भवती थी। क्या हुआ है तुम्हें? सुनो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज मेरे लिए तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, शायद अब मेरा बच्चा बाहर आ रहा है, मुझे लीवर पेन हो रहा है। क्या? लेकिन अब शायद समय कम है, हमें घर में ही डिलीवरी करनी होगी, मेरी बात सुनो। चुड़ैल ने उस औरत की डिलीवरी में उसकी मदद की और सही सलामत एक नन्ही सी जान दुनिया में आ गई। अब सब कुछ सही है। आपका शुक्रिया, अगर आप आज न होती तो पता नहीं क्या होता। मुझे खुशी है कि इस नए साल पर मैं तुम्हारे काम आ पाई, अब मैं चलती हूँ। संध्या भी वहाँ से निकल आई और अब बारी थी गायत्री के किसी की मदद करने की। उसे अभी तक कोई भी जरूरतमंद नहीं मिला था। गायत्री अभी घूम ही रही थी कि तभी उसे भी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। ये कौन था? कोई मेरी मदद करो, शायद किसी को मदद की जरूरत है। गायत्री ने उस आवाज का पीछा किया और कुछ दूर चलकर उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। कोई तो बचाओ। घबरा नहीं, मैं आ रही हूँ। गायत्री उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। अरे देख तो भाइयों, एक और माल आया है।
अरे ये तो बढ़िया हो गया, बिन मेहनत के दो दो मिल गई। अच्छा रुक तू, अभी बताती हूँ, अभी रुक तू। गायत्री ने ऐसे बोलकर अपने मुंह से अपना आंचल हटा दिया। एक चुड़ैल को देखते ही सभी गुंडों के होश उड़ गए। आ, अब मेरे पास आ। अरे भागो, ये तो चुड़ैल है। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा मेरा तोहफा तो लेते जाओ। गायत्री ने उन्हें अपनी चोटी से पकड़ लिया और उनमें पट्टियां लगाना शुरू कर दी। गायत्री की मार खाकर वो तीनों ही गुंडे दुम दबा कर भाग गए। भाग गए तीनों जानवर। तुम ठीक तो हो ना लड़की? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मैं वरना। मुझसे डरो मत, तुम एक चुड़ैल हो। हाँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ लोगों को सताने नहीं, मदद करने आई हूँ, चलती हूँ। ऐसे बोलकर गायत्री वहाँ से गायब हो गई और दूसरी जगह जरूरतमंदों की खोज करने लगी। तीनों चुड़ैलें इसी तरह से कामों में लगी हुई थी, कभी वो किसी बूढ़े की मदद करती तो कभी गरीब या बीमार की। अभी तक उन्होंने बहुत लोगों को खुश कर दिया था और अब बस नए साल का दिन खत्म होने वाला था। तीनों चुड़ैल एक दूसरे के पास ही आ चुकी थी। पता नहीं हमने सभी को खुश किया भी होगा या नहीं। हमने मेहनत तो पूरी की है, अब हमारी किस्मत की मर्जी। अरे नहीं, वहाँ देखो। तीनों चुड़ैल बात ही कर रही थी कि तभी गायत्री ने कुछ देखा। ये दो ट्रक आपस में टकराने वाले हैं। शायद एक के ब्रेक फेल हैं। जल्दी चलो। तीनों चुड़ैल एक बड़े हादसे को रोकने चली गई। ठीक हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन चुड़ैलों ने अपनी ताकत से किसी तरह उन ट्रक को रोक ही लिया। ऐसा करते हुए बीच हाईवे पर उनका असली रूप भी सभी के सामने आ गया। आखिर हमने इस हादसे को होने से बचा लिया। हाँ, अरे नहीं। सभी उन्हें घूर कर देख रहे थे। अरे तुमने तो मेरी बच्ची को खाने के लिए दिया था, तुम एक चुड़ैल हो और तुमने मेरी मदद की थी, तुम भी? अरे तुम तो वही चुड़ैल हो ना? बेटा तुमने ही तो मेरे घर का काम किया था। चुड़ैलों ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, इसलिए उन्हें सभी पहचान रहे थे। जी हाँ, हम सभी चुड़ैल हैं और अपनी मुक्ति के लिए यहाँ आई हैं। आपका शुक्रिया, आप तीनों तो सच में बहुत ही अच्छी चुड़ैल हो और मैं बेवजह आपसे डर रही थी। सभी इसी तरह चुड़ैलों से बात करने लगे। अब कोई भी उनसे डर नहीं रहा था, सभी उनके कामों से खुश थे। अभी ये बातें ही हो रही थी कि तभी दीपा को ध्यान आया। 12 बज चुके हैं, जल्दी करो, यमलोक का द्वार वरना बंद हो जाएगा। अरे हाँ, अब हमें जाना होगा, चलते हैं। ऐसे बोलकर वो चुड़ैलें वहाँ से गायब हो गईं और यमलोक आ गई। तो तुम इंसानों की मदद कराई? हमने पूरी कोशिश की, अब पता नहीं। तुमने लोगों की मदद तो की, पर तुम तीनों? ऐसे बोलते हुए अनमोल उनकी तरफ बढ़ा। तीनों चुड़ैलें डर गईं और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अनमोल उनके पीछे गया और उसने उन तीनों के सिर पर बहुत ही सुंदर ताज पहना दिया। तुम तीनों ने कर दिखाया। क्या? तुमने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और अब तुम्हारे लिए परीलोक का दरवाजा खुल चुका है। मुझे अपनी कलाई दिखाओ। अनमोल ने उन तीनों के हाथ को पकड़ा और एक मंत्र पढ़कर फूंका। उसके ऐसा करते ही वो तीनों चुड़ैल एकदम से चमकने लगी और अचानक ही उनका रूप बदल गया। उनके चेहरे सुंदर हो गए और उनके कपड़े भी बदल गए। वाह, क्या ये मैं ही हूँ? बेशक तुम हो, अब जाओ अपने पंख फैलाओ और उड़ जाओ। अनमोल के बोलते ही परियों ने अपने पंख निकाले और हमेशा के लिए वो परीलोक में चली गई। ये फल मिला था चुड़ैलों को अच्छे काम करने का। आप भी हमेशा लोगों की मदद कीजिए, क्या पता आपको क्या मिल जाए।